अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपको बताऊंगी कि किस तरह आप आटे में ये पाउडर डाल के गूंदें डेली, तो आपको पूरी सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम नहीं होगा, ठंड नहीं लगेगी। आपने बस थोड़ा सा ये पाउडर ऐड करना है और आटा गूंद लेना है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह दांतों में हम ये अपना थोड़ा सा ये छोटा सा पाउडर है ये हम बना के लगाएंगे तो हमें गंदे पीले दांत बिल्कुल साफ रहेंगे। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले ग्रेटर के हवाले से पहली टिप है मेरी, ग्रेटर जो हमारे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बाद इसकी शार्पनेस खत्म हो जाती है, और जब हम कोई चीज़ शार्प इसके ऊपर ग्रेट करते हैं तो वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं हो सकती है। और ग्रेटर को आपको पता है कि शार्प करना भी बहुत मुश्किल है, इसको हम बाजार से भी तेज़ नहीं करवा सकते हैं जिस तरह छुरियाँ वगैरह करवा सकते हैं। तो मैं आपको आज घर में इसको शार्प करने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए आपने ले लेनी है थोड़ी सी पेस्ट, और इसके ऊपर पूरे में थोड़ी सी इस पेस्ट को आपने फैला लेना है। पेस्ट अगर आपके व्हाइट कलर की है तो ज़्यादा बेहतर है। ये आपने लेके पूरे ग्रेटर पर फैला लेनी है, और इसको बिल्कुल आसानी से आप घर पर शार्प कर सकते हैं बगैर किसी पैसों के इस्तेमाल के, मतलब पैसे आपका खर्च नहीं करने पड़ेंगे और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा इसके अंदर। तो बस ये पेस्ट आपने लगानी है, उसके बाद आपने लेना है चाइना का कोई भी कप, चाइना के कप तो घर में मौजूद होते हैं, ये आपने लेके और इसके ऊपर इस तरह से रब करना है। ऊपर से नीचे की तरफ आपने रब करना है, नीचे से ऊपर की तरफ रब नहीं करना है। इस तरह से आप इसको रब करते जाएंगे, आप थोड़ी देर में आप देखिएगा आपका ग्रेटर कितना शार्प हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का चाइना कप नहीं है तो आप कोई पत्थर का टुकड़ा या ईंट वगैरह का टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसको करके दिखाऊंगी लाइव, इसको वॉश करने के बाद। ये देखिए मैंने इसको, ये आलू जो पहले बिल्कुल भी इससे ग्रेट नहीं हो रहा था, अब ये कितने अच्छे से ग्रेट हो रहा है, और बहुत अच्छे से ये हमारा जो ग्रेटर है शार्प हो चुका है। तो ज़रूर पसंद आया टिप तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी तरह से इसी कप के हवाले से है। ये कप हमारे बहुत काम के होते हैं, तो ये कप हमने ले लेना है। और जो हमारे किचन में काम करने वाली कैंची होती है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से क्या होता है कि उसकी शार्पनेस खत्म हो जाती है, और इसको तेज़ करवाने के लिए बाजार भेजना पड़ता है, पैसे भी खर्च होते हैं और फिर हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। इसको हम घर में किस तरह तेज़ कर सकते हैं, इसके लिए भी आपने यही करना है कि व्हाइट कलर वाली पेस्ट लेनी है और थोड़ी थोड़ी सी आपने बस ज़रा ज़रा सी उसके ऊपर लगा लेनी है दोनों साइडों पर इसके, और उसके बाद उसको आपके ऊपर आपने रब करना है। जब आप उसको रब करेंगे तो आप देखिएगा थोड़ी देर में आपकी कैंची बिल्कुल शार्प हो जाएगी। आपको ना तो बाजार भेजने की जरूरत है, ना ही आपको उसके ऊपर पैसे खर्च करने की जरूरत है। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर और भी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको पैसों की बचत भी होगी और आपका वक्त भी बचेगा। ये देख सकते हैं मैं अभी आप इसको वॉश करके और करके दिखाऊंगी। आप देखिएगा कि खुद इसकी जो धार बिल्कुल बेकार हो रही थी, बिल्कुल चल नहीं रही थी, तो किस तरह से चलना शुरू हो गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पैनल पहली दफा अगर चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। देख सकते हैं आप कैंची कितनी अच्छी हमारी तेज हो गई है। अभी मैं इसको वॉश करके दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप इसकी शाइन से पता चल रहा है कि कितनी तेज हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी लहसुन के हवाले से, रोजाना के खानों में हमें लहसुन तो डालना ही पड़ता है, लेकिन उसको छीलने में और पीसने में बहुत देर लग जाती है, और अगर थोड़ी सी मकदार में होता है तो उसको हम ग्राइंडर वगैरह में भी नहीं पीस सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से इसको जल्दी से जल्दी छील भी सकते हैं, और 5 मिनट के अंदर हमको बगैर किसी मशीन के पीस भी सकते हैं। इस तरह से बीच में से इसको आप काट लें, और उसके बाद आप जब छीलेंगे तो ये बहुत आसानी से और चंद मिनट के अंदर आपका लहसुन छिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैं आपको छिलके दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितने आसानी से इसका छिलका उतर रहा है, बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि लहसुन छीलने में ज़्यादा देर लगती है। और अक्सर लोगों को यही मसला होता है कि लहसुन छीलने में बहुत देर लगती है, इस वजह से हमें खाना पकाने में देर हो जाती है। तो इस तरह से लहसुन आपका जल्दी छिल जाएगा, उसको छिलने के बाद जब थोड़ी मकदार में होता है तो उसको पीसना इसलिए मुश्किल होता है कि हम इसको ग्राइंडर वगैरह में, जग में, मशीन में नहीं पीस सकते हैं। तो इसको हम आसानी से किस तरह से बगैर किसी मशीन के पीस सकते हैं, आपने ले लेना है स्टील का गिलास, और इसको इस तरह से इसके ऊपर जोर जोर से आपने इस तरह से मारना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से कर लेना। आप देखिएगा आपका लहसुन जरा सी देने बिल्कुल पिस जाएगा अच्छा सा, और खड़ा खड़ा सा लहसुन पिसेगा, जैसे खड़े खड़े से मसाले होते हैं सालन के तो बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह का लहसुन आपका पिस के बिल्कुल तैयार होगा, और बगैर किसी मशीन के इस तरह से तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा लहसुन पिस के तैयार हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के लौंगों को लेकर है। ये लौंग आपने ले ली नहीं, कब से 5 से 6 लौंगे मैंने ले ली हैं, और किस काम के लिए हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। इसको हमने रूट केस का अच्छा सा पाउडर बना लेना है, आपने बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा सा रखना है बस, इसको इसमें डाल के और इसको थोड़ा सा कूट लें। और ये किस काम में इस्तेमाल होगा ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस चीज़ में इस्तेमाल होगा। इसको ये पाउडर बन चुका है, इसके अंदर हम एक दो चीज़ें और ऐड करेंगे, उसके बाद ये ऐसी चीज़ इफेक्टिव रेमेडी बनकर तैयार होगी कि जिसके जितने भी गंदे पीले दांत हैं, बहुत ज़्यादा खराब दांत हैं, बहुत ज़्यादा टार्टर जमा हुआ है उनके लिए, या जिनके दांत हिल रहे हैं, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक करेंगे, और उसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सरसों का तेल, बस ये हम डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद अपने दांतों पे अपने डेली लगाने। आप एक हफ्ते में देखेंगे कि कितने भी खराब दांत होंगे ना आपके, तो वो साफ हो जाएंगे, उनकी पिलाहट बिल्कुल साफ हो जाएगी, अगर हिल रहे हैं तो हिलना भी बंद हो जाएंगे, और अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो वो दर्द भी खत्म हो जाएगा। इसको आप उंगली से भी लगा सकते हैं दांतों पर, और ब्रश से भी, ब्रश पर भी लगा के यूज कर सकते हैं डेली अपने बच्चों को दें, और एक हफ्ते में आप इसका रिजल्ट देख के खुद हैरान हो जाएंगे कि कितने अच्छे दांत आपके साफ हो गए। चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के रोटी के जो दस्तरखान होते हैं उनके हवाले से,
इनके ऊपर बड़े गंदे धब्बे पड़ जाते हैं, पीले पीले निशान पड़ जाते हैं हल्दी के या चिकनाई के, तो ये साफ होना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर लेडीज तो क्या करती हैं कि उसको काफ़ी देर तक चूल्हे पे पकाती हैं ताकि उससे चिकनाई उनकी निकल जाए, और या फिर रगड़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो आज मैं आपको जो टिप बता रही हूँ उससे ना तो आपको बहुत देर उसको चूल्हे पे पकाना पड़ेगा, ना ही आप उसको बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा। आपने क्या करना है, आपने एक खुले बर्तन में गर्म पानी ले लेना है, और गर्म पानी में आपने डालनी है सबसे पहले टाटरी, और टाटरी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि टाटरी थोड़ी दानेदार होती है, तो इसको अच्छे से आप पानी में मिक्स कर लें ताकि मिक्स हो जाए। और उसके बाद इसमें हमने डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है सफाई के लिए, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है और किचन में हमारे मौजूद होता ही है। इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद नमक को भी मिक्स करना है। आपने जो भी चीज़ कभी भी धोएं वॉशिंग मशीन में नगर में, और वैसे भी अगर आप कोई चीज़ धोएं तो हमेशा पहले पानी में सर्फ वगैरह डाल के पहले मिक्स करें और कपड़े बाद में डालें। ऐसा ना करेंगे पहले कपड़े डाल दें और फिर आप उसमें सर्फ ऐड करें, तो सही तरह मिक्स नहीं होता है। इसमें हम सर्फ डाल लेंगे, सर्फ मुझे थोड़ा सा इसमें कम लग रहा है, थोड़ा सा सर्फ और डालेंगे। और सर्फ डालने के बाद आपने इसके अंदर अच्छे से मिक्स करना है सर्फ को, और उस कपड़े को अपने भिगो देना है, जो आपका रोटी का दस्तरखान है उसको अच्छे से भिगो देना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप ज़्यादा देर के लिए भिगोएं, मैं यहाँ पे आधे घंटे के लिए भिगोंगी। और भिगोने के बाद इसको आधे घंटे के बाद हम इसको थोड़ा सा रगड़ेंगे, और फिर ये हमारा बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपको मैं दिखाऊंगी कि इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गया, जो उसके बाद धब्बा था वो धब्बे वगैरह थे वो भी बिल्कुल साफ हो गए। आधे घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे, तो आधा घंटा हो चुका है। अब इसको हल्के हल्के हाथ से रगड़ लें। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हम बगैर मेहनत के कोई काम हमें मिल जाए, क्योंकि आप समझेंगे कि आप डाल के इसके अंदर निकाल लें तो आपका कपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी बहुत मेहनत हर काम के लिए करनी पड़ती है, तो आपको रगड़ना तो पड़ेगा लेकिन बहुत कम, बहुत हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा सा रगड़ लें बस। और उसके बाद वॉश करके आपको सुखा के दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आपके ये कपड़ा सूख गया, और मैंने इसको धो दिया था, और अब मैं दिखाती हूँ अंदर से भी कि जहाँ इसके धब्बा था वो बिल्कुल धब्बा साफ हो चुका है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी नेल पॉलिश के हवाले से। नेल पॉलिश क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है और खुलती नहीं है, क्योंकि ये होता है कि साइडों में चिपक जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इसका ढकना टाइट हो जाता है, वो किसी तरह भी खुलता नहीं है। तो इसको हम क्या करें, इसी तरह आप इसको खोल लें, अगर मुश्किल से खुल रहे तो खोल तो लें, लेकिन फिर दोबारा से ऐसा ना हो तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने लेना है कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल लेके ब्रश के नीचे की तरफ साइड पे और जो बॉटल है उसके साइड पे दोनों तरफ आप गोलाई में अच्छे से ये लगा लें कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ऐसा चीज़ होती है जो ड्राई नहीं होती है, और इससे ये होगा कि ये दोबारा से चिपकेगी नहीं, और इस तरह से दोबारा से जाम नहीं होगी आपके, जब भी आप इसको खुलना चाहेंगे तो ये आराम से खुल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी आटे के हवाले से। जब भी हम आटा गूंधते हैं तो अक्सर लोग इसको छान लेते हैं, जबकि इसको छानने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर जो भूसी होती है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। उससे क्या होता है कि हमारे मैदे और आंतों के लिए इसके अंदर फायदेमंद होती है, मैदे और आंतों के लिए, और दूसरी बात देखिए इससे कब्ज़ नहीं होता है बिल्कुल भी, और भूसी जो है वो हमारे इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मकदार में होता है, तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचाती है। और फिर आपको पता है कि बगैर छना आटा खाना सुन्नत भी है, तो हमेशा बगैर छना आटा इस्तेमाल किया करें, भूसी को इसमें से मत निकाला करें। और फिर ये भी बताऊँगी मैं आपको कि आज हम इसके अंदर जब डेली आटा गूंधे तो उसके अंदर हम कौन सा पाउडर इस्तेमाल करें, कौन सी चीज़ डालें जिससे कि हमें पूरी सर्दी नज़ला खांसी जुकाम नहीं होगा, ठंड नहीं लगेगी। इस तरह का आटा खासतौर पे बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। डेली आप ये डाल के अगर अपने आटे में गूंध लिया करेंगे तो आपको पूरी सर्दी का मसला बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और नज़ला खांसी जुकाम और ये गला ख़राब और चेस्ट खराब ये तो हर किसी का मसला होता ही है घरों के अंदर। तो जब आप ये डाल के गूंधेंगे तो इससे बिल्कुल भी आपको ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, पूरी सर्दियाँ आपकी बहुत बेहतरीन गुजरेंगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले लेनी है दालचीनी का एक टुकड़ा, 3-4 लौंगे और 3-4-5 आपने काली मिर्चियाँ इसके अंदर ले लेनी है। आटे की क्वांटिटी के हिसाब से आप चीज़ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरा आटा इतना ज़्यादा नहीं है इसलिए मैंने कम लिया। और उसके अंदर आपने बड़ी इलायची लेनी है और उसके सिर्फ दाने निकाल लेने हैं, वो दाने ले लेने हैं, और उसके बाद इसको कूट के अच्छा सा पाउडर बना लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बस थोड़ा दरदरा आपने बना लेना है। और उसके बाद कूटने के बाद इसके एक चीज़ ऐड करनी है आपने इसके अंदर, वो है अजवाइन, वो मैं आपको उसमें दिखा नहीं सकी हूँ। आपने एक चुटकी अजवाइन भी इसमें ऐड करनी है, और उसके बाद इसको आटे में डाल देना है और इसको आटे में अच्छे से मिक्स करके आटे को गूंध लेना है। आटे को जब भी गूंधे जल्दी गूंधने के लिए और अच्छा गूंधने के लिए क्या करना है, आपने इसको पानी मिक्स करने के बाद पानी जब आटा अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाए तो उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर छोड़ के आप 10 मिनट के बाद इसके अंदर मुक्कियाँ लगाएं, आपको ज़्यादा मुक्कियाँ भी नहीं लगानी पड़ेंगी और आपका आटा ये बहुत बेहतरीन गूंधेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।